जयपुर म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ थोड़ी इजाज़त मिली है वीडियोग्राफी करने की। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है ना अपना, आपने सिर्फ माहौल को देखना, एंजॉय करना है। ये पुरानी कार है, ये देखें, और ये फोटोग्राफी वगैरह पुराने जो तारीखी बंदे थे उनको अपना लगाई गई है, ये देखें। तीन पहियों वाली ये कार है जी, और ये माहौल तो ये जी इस्लामी फनून गैलरी। जरा तीर कमान की बना रहा हूँ, नेजे भाले हर चीज पर उसके ऊपर कागज लगाया गया, ये चीज है और उसकी तफसील भी बताई गई है। अब हम तफसील तो आपको नहीं बता सकते, और ये तोहफे वगैरह जी, तो ये जी दूसरी तरफ का माहौल है, पुराने असासे। म्यूज़ियम भी हमारी विरसे और तारीख की पहचान होते हैं आने वाली नस्ल के लिए, कि हमारे बुज़ुर्ग कौमी हीरो कैसे थे और पाकिस्तान का अर्तका कैसे हुआ और किस तारीख से हुआ और आज क्या है पाकिस्तान, पहले पुराना पाकिस्तान क्या था। नूर महल बहावलपुर का मॉडल है ये सामने लिखा हुआ है। गंधारा आर्ट के फन पारे हैं ये सारे, मूर्तियाँ वगैरह हैं ये सारी, ठीक है ना। दूसरी तरफ भी ऐसा माहौल है, वादी सिंध की जो कदीम तहजीब थी ना, मोजो दाड़ों के नमूने और फन पारे यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है ना। ये अहद हड़प्पा के हैं, ये सामने लिखा हुआ है। ये भी अहद हड़प्पा किला धरावड़, ठीक है ना। ये भी हड़प्पा के फन पारे हैं जी। तो दूसरी तरफ जा रहे हैं जी, आपको यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये जी स्टैंप ऑफ डिफरेंट प्लेस, दुनिया की मुख्तलिफ डाक टिकटें हैं, ये सऊदी अरेबिया मुख्तलिफ ममालिक, ठीक है ना, सारी रखी गई है। ये बस पॉज करके आपने देख लेना है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ये पुराने दौर के सिक्के हैं जी, सिखों के गुरुद्वारे का सहदरा आज जंग 18वीं सदी का, ये जी
ये देखें ये देखें। तमगा जहाज रियासत बहावलपुर ताजो बरतानिया के, ये देखें। ये जो ऊपर वाले दो मतलब 5-5-10 सिक्के हैं, ये तकरीबन सोने के लगते हैं हमें तो। टिकट सरकारी रियासत बहावलपुर जी, ये हैं चांदी के जेवरात जी, चांदी के जेवरात हैं जी, ताले बहुत बड़े पीतल के तकरीबन हैं जी, चाबियां हैं किला और डेरा की। और ये जी अपना बाला पोशाक जस्टिस वगैरह जो होते हैं ना उनकी। और ये दूसरी तरफ का माहौल, चौलिस्तान के मशागल वगैरह, चरखा वगैरह, घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं ये तमाम चौलिस्तान की जी। ये जी जानवरों के जेवरात वगैरह, और उस पर बैठने सवारी करने के लिए ऊँट वगैरह। ये देखें पुरानी एक तस्वीर है यहाँ पर, ये चनका बहुत बड़ा ठीक है ना ऊँट के लिए होता था तकरीबन, लकड़ी और दीगर शकल। ये ऊँट के चमने का है जी, घी स्टोर करने के लिए, कागजी जरूफ जी, बहुत कुछ है जब घर में। वीडियो काफ़ी सारी लंबी होने वाली है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा नज़ारा होगा। तो अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत कुछ है देखने को, तकिया वगैरह, गलाफ कुरान पाक, बहुत कुछ। टिकट के पैसे अंदर ही वसूल हो गए जी, क्योंकि हमें बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुराने दौर के गिंधी लिबास, कुरान पाक का गलाफ है रखा हुआ आगे जी। और ये है जी साइकिल रक्षा, ठीक है जी। अब थोड़ा अंदर जा रहे हैं, कुरान बादशाह मुख्तलफ तर्जमों के साथ, ठीक है ना, बहुत पुराना जी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर से ऐसे बनाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ, बाकी ऐसे ठीक है। पॉज करके आपने देख लेना है जी, दूसरी तरफ इंटर हो रहे हैं। कलेक्शन तस्वीर गुलजार अहमद गोली, अहमदपुर गेट बहावलपुर, बहावलपुर गैलरी भी साथ। ये देखें जी, ये सारी तस्वीरें हैं, तमगा जात यहाँ पर भी मौजूद हैं जी, मेडल्स। और कुछ ये दूसरी तरफ का माहौल, दूसरी तरफ जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा ये जी। ये जी ओरिजिनल चीज़, ठीक है ना, शाही बग्घी, पुराने ज़माना है ये जी। देखते हैं कौन, दरबार महल फ़िलहाल में जाने नहीं दे रहे, लेकिन इसका आप सैंपल देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, बहुत कुछ देखने को है यहाँ जी। चौलिस्तान का व्यू, चौलिस्तान का कल्चर, मैरिज सेरेमनी ऑफ पंजाब, बहुत कुछ। वीडियो लंबी होगी, अगर नज़ारे देखने हैं तो सब्र थोड़ी करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर नए हो चैनल को
भी सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। ये है बाहर का माहौल, स्टीम इंजन भी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी तामीरात हो रही हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारा व्लॉग ख़त्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी के निशान को दबा देना ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल सके।